जय श्री श्याम सभी पत्रकारों को नमस्कार। मेरे सामने मनोधाम के अध्यक्ष ओमेंद्र जी महाराज जी हैं और वो तोरण द्वार बनना है। मैं उनसे पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके वो जवाब देंगे। जी मैन जी, अमर प्रभात अखबार में आपका स्वागत है। ये जो तोरण द्वार बनना है, ये किस लिए बनना है? तोरण द्वार कोई भी द्वार जो होता है वो किसी भी भूमि का या किसी भी धाम का एक तरीके से नाक होती है, तो इसीलिए बहुत खूबसूरती से बनना है ये। और बहुत ये यहाँ से ही बहुत प्रकट होना शुरू होते हैं। अब यहाँ से लोग दंडवत लगाते हैं, यही जगह है जहाँ से लोग दंडवत लगाते हैं। तो अगर बहुत से भक्त हैं, बहुत सारे भक्त बिजी हैं, बहुत रास्ते से भी निकल के जा रहे हैं और तोरण द्वार को भी टच करके चले गए, तब भी बाबा की कृपा पूरी होगी। यहाँ पर भी बाबा की कृपा पूरी कर सकती है। जी ये तो आपका मेन तोरण द्वार होगा। रिंगस बनाने का आपका कहाँ लक्ष्य? रिंगस जैसे रिंगस से लोग बाबा का निशान उठाएं, तो आपका क्या लक्ष्य आगे का? उसके लिए हमने दो जगह चुनी है। एक तो हमारा जो उधर से लोग जो आएंगे, पुराना मंदिर वहाँ रहेगा, और बाकी जो मेन हमारा रहेगा वो रहेगा बगरैन में बाकायदा वहाँ दुकानें भी होंगी जहाँ से लोग निशान खरीद सकते हैं। और वहाँ एक हॉल बनवाएंगे हम पूरा, जिस हॉल में पूजन हो के निशान, उसके बाद अगर कोई कहीं भी से भी व्यक्ति आया था, पहले बगरैन जाएगा, वो बगरैन जाके बगरैन से निशान उठाएगा, फिर मनोरथ धाम पर चढ़ाएगा। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? चूंकि अगर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे अपनी पार्टी के, और आपने एक लग्जरी जी दी, और आपने अब अपना पूरा जीवन एक प्रकार से श्याम भक्तों को दे दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वो भी उस समय भी जो भी था, हम किसी राजनीतिक पार्टी में कभी भी हमने कोई ज्वाइन नहीं किया है, कभी भी किसी प्राथमिक सदस्य भी नहीं किसी भी पार्टी के हम कभी भी। और पहले भी हमने संगठन समाज के लिए ही चलाया था, समाज के लिए काम कर रहे थे, और आज तो पूरा जीवन जो है वो हम चाहते हैं कि बाबा के चरणों में हमारा रहे। और बाबा इतनी कृपा बरसा रहे हैं लोगों पे, इतना लोगों का फायदा हो रहा है, लोग इतने हद ठीक होके जा रहे हैं, तो हमारे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, मैंने फेसबुक पर बहुत देखा है कि आपने मनोना का धाम, पहले मनोने को आलौ से जाना जाता था, अब पूरे बड़ में जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग फेसबुक पर इनके बारे में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फेसबुक गलत देख रहे हैं? जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतना काम करेगा वो, और ऐसे लोग भी होना बहुत जरूरी है, आलोचक होना भी बहुत जरूरी है। आलोचक ही हमारे लिए सतर्क दृष्टि है। अगर आलोचक नहीं होंगे तो हम भी अहंकार में आ जाएंगे, हम भी घमंड में आ जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो करना शुरू कर देंगे। आलोचकों को ध्यान में रख के हम बहुत संभल के चलते हैं और बहुत मजबूती से चलते हैं, और अपनी जो गति है बहुत तेज बढ़ा देते हैं, और वो गति तेज बढ़ती है तभी बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और धाम कितने पूरी दुनिया